दोस्तों, क्या आपको पता है कि सौरव जोशी एक महीने में यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं? और एक ऐसा भी विलेज है जिसे ऊपर से देखने पर QR कोड की तरह दिखाई देता है। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए। तो मेरे भाई, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कानों में ईयरफोन लगाओ और वीडियो देखने में मस्त हो जाओ। दोस्तों, परफ्यूम तो आप सभी ने कई तरह के देखे होंगे, मगर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम कौन सा है? तो उस परफ्यूम का नाम है क्लाइव क्रिश्चियन No. 1 इंपीरियल मजेस्टी। ये परफ्यूम साल 2003 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आजकल रेसिंग करना रोमांचकारी खेलों में से एक है। वैसे तो रेस साइकिल, कार, घोड़े, मोटर बाइक और भी कई तरह की होती है, मगर कम ही लोग पहली मोटर रेस और इसके विजेता के बारे में जानते होंगे। दुनिया की पहली मोटर रेस 11 जून 1895 में हुई थी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसमें जो पहले नंबर पर आए थे उन्हें विजेता नहीं माना गया था, बल्कि तीसरे नंबर पर आने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया गया था। इस रेस में तीसरे नंबर पर आने वाले व्यक्ति का नाम पॉल कोचलिन था। दोस्तों, समुद्र में वैसे तो कई सारे जलीय जीव, पेड़ पौधे मिलते हैं। समुद्री जीवन कई रहस्यों से भरा पड़ा है, मगर समुद्र का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली है। ये जीव समुद्र का ही नहीं बल्कि धरती का सबसे बड़ा जीव है, मगर इसके बारे में एक ऐसा फैक्ट है जो कम ही लोग को पता होता है। दोस्तों, इस मछली का वजन 1400 किलो है, वहीं इसके दिल का वजन एक आम इंसान के वजन से कहीं ज्यादा है। इसके दिल का वजन करीब 180 किलो होता है। दोस्तों, यूट्यूब पे तो आप सभी ने सौरव जोशी के व्लॉग्स देखे होंगे। आज के टाइम पर इनके व्लॉग्स पर डेली 5 से 6 मिलियन व्यूज आते हैं, और अगर बात करें इनकी अर्निंग की तो वो हर महीने यूट्यूब से $26,000 कमा लेते हैं। अगर इसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये 20 लाख रुपए बनते हैं। इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 1 अप्रैल 2015 को BMW कंपनी ने न्यूजीलैंड के अखबार में यह विज्ञापन दिया था कि अपने नजदीकी शोरूम में पुराने किसी भी गाड़ी को लाइए और बदले में नई BMW ले जाइए। दोस्तों, ये विज्ञापन 1 अप्रैल में आने के कारण सभी लोगों को लगा कि कंपनी उन्हें अप्रैल फूल बना रही है, लेकिन एक औरत सच में शोरूम गई और उसे BMW भी दे दी गई। वाओ, इंटरेस्टिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना में एक ऐसा विलेज है जिसे अगर ऊपर से देखा जाए तो वो एक QR कोड की तरह दिखाई देता है? और मजे की बात तो ये है कि अगर इस QR कोड को ऊपर से ही स्कैन करेंगे तो चाइना की ट्रैवलिंग साइट ओपन हो जाती है, और इस विलेज का नाम है जिनलिन श्री। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए।